कंगना रनौत ने गुरुवार को टूटे फूटे ऑफिस का दौरा करने के बाद एक बड़ा फैसला किया, जिसके मुताबिक वो अपने ऑफिस का रेनोवेशन यानी मरम्मत नहीं करवाएंगी, उसे इसी हाल में रखेंगी, जो एक औरत की इच्छा शक्ति की मिसाल बनेगा। बीएमसी ने कंगना के पाली हिल स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की थी। हालांकि कंगना का दावा है कि उनके दफ्तर में किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया गया। बुधवार को बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने गुरुवार को पहली बार अपने ऑफिस का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैंने अपने ऑफिस की शुरुआत 15 जनवरी को की थी। कोरोना के शुरू होने से ठीक पहले दूसरे सभी की तरह मैंने अभी से काम नहीं किया। मरम्मत करवाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं उन्हीं अवशेषों के बीच से काम करूंगी। अपने ऑफिस को यूं ही उजड़ा हुआ रखूंगी, जो ऐसी औरत की इच्छा शक्ति की मिसाल बनेगा जिसने इस दुनिया में उठने की कोशिश की। उधर बीएमसी ने गुरुवार को हाई कोर्ट में अपना हलफनामा जमा किया, जिसमें कंगना के ऑफिस पर की गई कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। बीएमसी के हलफनामे पर कंगना के वकील को 14 सितंबर तक जवाब देना है। इस जवाब के साथ कंगना को कुछ नए तथ्य रखने का भी मौका मिलेगा। अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। सोशल मीडिया में कंगना ने महाराष्ट्र सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला जारी रखा, जिसमें कंगना के फैंस और फॉलोअर्स ने भी जमकर साथ दिया। इसके चलते गुरुवार को दिन भर कंगना वर्सेस उद्धव ट्रेंड होता रहा। केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी कंगना के इस खार स्थित घर जाकर मुलाकात की। कंगना और बीएमसी के बीच तकरार सोमवार को शुरू हुई थी, तब बीएमसी की एक टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के कंगना के ऑफिस में छापेमारी की। कंगना ने इसकी सूचना ट्विटर के जरिए फैंस तक पहुँचाई। कंगना को संदेह था कि बीएमसी उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर सकती है।